भी विषय हिंदी के अंतर्गत जो मैंने लक्ष्मण मूर्छा कविता वाली तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके जो अनुवाद मैंने समझाए थे आज उसी पाठ के जो प्रश्नोत्तर है हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये दिया हुआ है आज हम लघुत्तरी प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे समझेंगे। कविता वाली उत्तरकांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या आएगा, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसीदास जी का यह काव्य जो है सत्य आज के समय में भी सत्य जान पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए पुरुषार्थ करने की महती आवश्यकता होती है। यदि यह पुरुषार्थ सात्विक भाव के साथ धर्म सम्मत तरीके से किया जाए तो उसके फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाती। साथ ही जब भी हम उनके इष्ट का नाम लेकर कोई कार्य करते हैं तो उस कर्म में हमारा तन मन दोनों सक्रिय रूप से अपना योगदान देते। जबकि ईश्वर भक्ति से विमुख व्यक्ति मात्र अपने तन से ही कार्य कर सकता, ऐसे में ईश्वर स्मरण के साथ किए गए कार्य के परिणाम अधिक संतोषजनक स्थायी होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के इस घोर कलयुग में भी पेट की आग की पूर्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धर्म रूपी ईश्वरी भक्ति का वरदान भी अति आवश्यक है। चलिए फिर इसके बाद है प्रश्न, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरी दिखलाई पढ़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमान भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर है, राम भक्त तुलसीदास आदर्शवादी चेतना के महाकवि हैं। उन्होंने विनय और अनेक कविताओं में छंदों की रचना की है। उन्होंने जो उनका जो है विनय सप्त उसमें अनेक कविताएं जो उनकी हैं, उन्होंने अनेक कविताओं में किसकी रचना की, छंदों की रचना की है, जिससे वे अत्यंत सरल सहज एवं निरीह दिखलाई पड़ते हैं। किंतु यह सत्य नहीं है, वह स्वाभिमानी कवि हैं। बचपन से ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत्यपल आयु में ही माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ तुलसीदास जी का विवाह भी छोटी आयु में ही रत्नावली के साथ हुआ। पत्नी प्रेम में डूबे तुलसीदास जी को पत्नी से भी दुत्कार मिली। इससे उनके अंदर का जो स्वाभिमान है वह क्या हुआ, जाग गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। जीवन भर अनेक दुखों का सामना करते हुए वे भी कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाए। लोगों ने उनकी जाति पर भी आपेक्ष लगाए, तब भी स्वाभिमानी तुलसीदास अपने हृदय में राम की भक्ति धारण किए अविचलित रहे और जीवन भर जाति पाति और झूठे धार्मिक आडंबरों का डटकर विरोध करते रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसीदास जी वास्तव में अंदर से एक स्वाभिमानी भक्त हृदय के स्वामी रहे हैं। हम इस तथ्य से पूर्णता सहमत हैं। इसके बाद है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान अवतरण को करुण रस के बीच राम का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उत्तर, लक्ष्मण मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को गोद में रखकर अत्यंत दुखी होते हैं। उन्हें लक्ष्मण से संबंधित पूर्व की बातें स्मरण होती हैं। लक्ष्मण की दशा के लिए वे स्वयं को क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं। लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटने की कल्पना मात्र से व्याकुल होते हैं। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेकर आने में हो रही देरी से उनकी व्याकुलता और क्या होती है, बढ़ जाती है। पल पल व्यतीत होते समय के साथ लक्ष्मण के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर वे बहुत विलाप करने लगते हैं और आधी रात बीत जाने पर भी पवन पुत्र जब वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो राम का यह विलाप प्रलाप में परिवर्तित हो जाता है। राम को इस प्रकार दुखी प्रलाप करता देख समूची राम सेना शोकग्रस्त हो जाती। भालू वानर इत्यादि लक्ष्मण की दशा देखकर दुखी उठते हैं और चारों ओर शोक का माहौल बन जाता है। दृश्य अत्यंत कारुणिक हो जाता है। अचानक से हाथ में संजीवनी बूटी के स्थान पर पूरा का पूरा पर्वत धारण किए हनुमान जी
जब सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचते हैं तो हनुमान जी के ससमय अवतरण से राम एवं उनकी सेना अत्यंत प्रसन्न होती है और वैद्य सुषेण लाई गई संजीवनी जड़ी बूटी से लक्ष्मण का उपचार करते हैं। शीघ्र ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है और वह स्वस्थ होकर उठ खड़े होते हैं। यह सब देखकर चारों ओर खुशी और उत्साह का संचार हो जाता है और कुछ समय पूर्व तक वहां पसरा करुण रस यकायक से वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं, आज की बेकारी की समस्या के साथ उसे मिलाकर आप मतलब कैसा परिचर्चा किस प्रकार से हो सकती है? तो तुलसी जी के युग में बेकारी के कई कारण जैसे खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था ना होना, शिक्षा अत्यधिक, जनसंख्या का दबाव, लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति अचुरुचि, लोगों का कौशल विहीन होना, बार बार ओलावृष्टि, अकाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोप का आना इत्यादि थे। वर्तमान युग में भी बेकारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सच पूछे तो पहले से तुलना में कई सौ गुनी बढ़ गई। आज की बेकारी की समस्या कारण तुलसीदास जी की युग की बेकारी की समस्या के कारणों जैसी है। कुछ एक जो नए कारण पैदा हो गए हैं उसमें सुनिश्चित विकास की नीति का अभाव, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, भ्रष्टाचार, सरकारों का उदासीन रवैया, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि शामिल है। अब यहाँ पर आता है अति लघुतरी प्रश्न जो को हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं? तो देखिए उत्तर दिया है तुलसीदास जी कृत कवितावली के अनुसार, संसार में पेट भरने के लिए लोग नाना प्रकार के उद्यम करते हैं। लोग मजदूरी, खेती, व्यापार, भिक्षा मांगना, भाट का कार्य करना, नौकरी, चाकरी, चोरी, दूधगिरी, जादूगिरी इत्यादि कार्य करते हैं। प्रश्न है दूसरा, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में लोगों के पास क्या अभाव है? तो तुलसीदास जी के अनुसार लोग अपनी आजीविका के लिए बहुत परेशान है, हाथों को काम नहीं, समाज में किसान के पास खेती की सुविधाएं नहीं, वह चाहते हुए खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को कोई भीख नहीं देता, दे भी तो कहां से जबकि लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन नहीं है। व्यापारी के पास व्यापार करने के साधनों का अभाव तथा नौकरी करने के इच्छुक जो व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। इस प्रकार संसार के अधिकांश लोग बेरोजगारी की शिकार हैं और अपने परिजनों का पेट भरने के लिए हर प्रकार का नैतिक अनैतिक कार्य करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, धूत कहो, अवधूत कहो, जाजपूत कहो, जुलाहो कहो, कोई पंक्ति के माध्यम से कभी किस पर व्यंग करता है? उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने तात्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद पर गहरी चोट की है। कभी समाज के उन ठेकेदारों पर भी व्यंग करते हुए कहते हैं कि जाति, धर्म एवं संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में लगे हैं कि चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहे या सन्यासी कहे, मुझे राजपूत पुकार अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न, भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन कैसा लगता है? तो भाई लक्ष्मण के बिना, उत्तर आएगा भाई लक्ष्मण के बिछोए में उनके बिना श्री राम को अपना जीवन वैसे ही लगता है जैसे पंखों के बिना पक्षी का जीवन होता है और मणि के बिना सांप का जीवन अथवा सूंड के अभाव में हाथी का जीवन होता। अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण के बिना राम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लक्ष्मण के बिना राम को अपना जीवन व्यर्थ लगता है। फिर है, पेट की आग को बड़वानल से भी भयानक क्यों कहा गया है? उत्तर है, पेट की आग को बड़वानल से भी भयानक इसलिए माना गया है क्योंकि पेट की आग को बुझाने के लिए मनुष्य उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, धर्म सम्मत अधर्म तक का भेद भुलाकर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। पेट की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य अत्यंत नीचे गिर जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, वह जानवरों की भांति व्यवहार करने के लिए तत्पर रहता है। पेट की अग्नि को शांत करने के क्रम में वह बेटे बेटी तक को बेच डालता है। इसके विपरीत बर्णवाला समुद्र की आग जल के नीचे धधकती रहती है, यह आकार में भले ही बड़ी हो किंतु पेट की आग की विकरालता के आगे कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगते हैं? लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित होकर गिरे लक्ष्मण को देखकर व्याकुल हो विलाप करने लगते हैं। बिना लक्ष्मण के जीवन जीने की कल्पना मात्र से विचलित होते हैं। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। सोचते हैं कि पहले पत्नी से बिछो हुआ और अब लक्ष्मण जैसा भाई भी मुझे छोड़कर जा रहा। लक्ष्मण से बिछो हो मेरे लिए पत्नी के बिछो से भी बड़ी हानि है। अयोध्या वापसी पर लोग क्या कहेंगे? स्वार्थी राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को खोना स्वीकार कर लिया और अपयश फैलेगा। इस अपयश का कलंक उन्हें जीवन भर माथे पर लगाकर घूमना पड़ेगा। प्रश्न,
तुलसीदास जी को अपने किस नाम पर गर्व था और क्यों? तो यहाँ यह उत्तर क्या आएगा कि महाकवि तुलसीदास जी को स्वयं के राम भक्त होने पर अत्यंत गर्व था। वे चाहते थे कि लोग उन्हें उनके नाम, उनकी जाति, उनके धर्म के स्थान पर राम भक्त के रूप में पहचाने। वे स्वयं को राम का दास समझते थे और वे चाहते थे कि पूरा संसार भी उन्हें उनकी इस पहचान से ही जाने। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, कवित, सवैया, ये आते हैं कई बार पूछे जाते हैं। तो चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई सममात्रिक छंद है और यह चार पंक्तियों का होता है, इसमें जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती। 40 चौपाइयों वाली इस रचना को चालीसा भी कहा जाता है। यह तथ्य जो है लोक प्रसिद्ध है। दूसरा दोहा, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण पे 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। उनके साथ अंत लघु वर्ण होता है। सोठा दोहे को उलट देने से सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। परंतु दोहे के विपरीत इसके पास सम चरण दूसरे और चौथे चरण में अत्यानुप्रास्तक या तुक नहीं रहती है, विषम चरणों में पहले और तीसरे में तुक होती है। कवित्त यह वार्णिक छंद है, इसे मन हरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति रहती है और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। सवैया, चूंकि सवैया वार्णिक छंद है इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको यहां पर जो लघुत्री, अति लघुत्री जो प्रश्नोत्तर थे परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।